इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल असलकुम आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश आवर सब्जेक्ट इज फंक्शनल इंग्लिश एंड टुडे इज़ आवर थर्ड लेक्चर एंड आवर थर्ड लेक्चर इज अबाउट प्रनाउन डियर स्ट्रेंड्स हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट था नाउन जो हम वो प्रीवियस अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है प्रनाउन डियर so स्टूडेंट्स आज हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एग्जाम्पल्स और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इज अ वर्ड दैट द प्लेस ऑफ अ अ यू ऑलरेडी नो इज पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड प्रोनाउन दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन की जगह पर जो एक वर्ड जो यूज होगा वो होगा प्रोनाउन प्रनाउन यूजड इंस्टेड ऑफ अ नाउन हमेशा एक चीज जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स के नाउन की जगह पर जैसे नेम पर्सन प्लेस थिंग की जगह पर हम जब प्रोनाउन एक लगाएंगे यूज़ करेंगे उसकी जगह पर तो वो प्रोनाउन के लाएगा प्रोनाउंस आर यूज टू तो अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन्स ओवर एंड ओवर अगेन फॉर एग्जाम्पल अगर जो प्रोनाउंस हैं उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं नाउन से बार बार एक चीज़ रिपीट हो तो उसकी जगह पर हम रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए अपने हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं कि एक चीज़ जो बार बार आ रही हो उसको हमने ख़त्म करना होगा तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे इंस्टेड ऑफ़ नाउन की जगह प्रोनाउन हम लगाएंगे प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोनाउंस आई मी वी दे यू ही शी इट यूअर्स दिस, होम, ऑल आर उन्स जो एक नाउन की जगह को फिल करेंगे जैसे कि कोई पर्सन प्लेस थिंक जो है इसकी जगह पर इन्हीं प्रोनाउन्स की एग्जाम्पल में से जब वर्ड्स यूज होंगे दीज आर कॉल्ड परनाउन एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन्स देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट एग्जांपल, इन दिस पैसेज यू विल सी अबाउट द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स लुक एट आरिफ आरिफ की तरफ देखें आरिफ इज अ गुड बॉय आरिफ लव्स टू स्टडी आरिफ इज गुड एट स्केटिंग इन ऑफ आरिफ वी कैन यूज ही इस एग्जांपल में हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं कि पहला जो सेंटेंस है लुक एट आरिफ वहाँ हमने फर्स्ट सेंटेंस में आरिफ यूज़ किया उसके बाद हमने फिर अगेन यूज़ किया आरिफ इज़ अ गुड बॉय फिर हम उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है आरिफ लव्स टू स्टडी फिर फोर्थ सेंटेंस में हमने लिखा आरिफ इज़ गुड एट स्केटिंग कि उसको जो है स्केटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है या वो बहुत अच्छी स्केटिंग करता है इन स्टेड ऑफ आरिफ वी कैन यूज ही हम बार बार रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए बार बार नेम ऑफ पर्सन लगाने के बजाय उसकी जगह हम प्रनाउन लगा सकते हैं ही फर्स्ट सेंटेंस में हमने नेम ऑफ पर्सन लगा दिया आरिफ उसके बाद हम इधर राइट जो कर सकते हैं नाउन की जगह ही को हम कोई की जगह इसीलिए एडजस्ट कर सकते हैं नाउ रीड दीज सेंटें अगेन अब जब हमने इसने इसमें प्रोनाउन ऐड किया तो इसका फ़ौरन से ही एग्जाम्पल का जो है सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया लुक एट आरिफ हमने फर्स्ट अपने सेंटेंस में सेम एज इट इज नाउन लगाया बट इन द सेकेंड सेंटेंस हमने आरिफ की जगह लगाया ही इज अ गुड बॉय यहाँ पर ही भी शो कर रहा है बॉय को नाउन को शो कर रहा है नेम को शो कर रहा है एंड सेंटेंस थर्ड में हमने लगाया ही लव्स टू स्टडी इन सेकेंड इन फोर्थ सेंटेंस ही इज गुड एट स्केटिंग द वर्ड ही टेक्स द प्लेस ऑफ आरिफ एंड ही इज कॉल्ड प्रोनाउन जो वर्ड जो है आरिफ है या माइक है या अली है या उमर है आयशा है सोबिया है किरण है इनकी जगह हम ही शी का जब यूज़ करेंगे दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस जब एक चीज़ की रेपिटेशन से हमने अवॉइड करना होगा तो हम इधर प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जैसे हमने प्रनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउंस को हम किस तरह से नाउन की जगह यूज कर सकते हैं इसी तरह से अब हम प्रोनाउंस की टाइप्स देखेंगे फर्स्ट जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउंस सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इनडेफिनेट प्रोनाउंस एंड लास्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इन प्रोनाउंस में किस तरह से जो है वर्ड्स जो हैं क्या बताते हैं किस तरह से लिंक लिंक्ड हैं वर्ब इसमें इन पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा सबसे पहले प्रोनाउन के जो है टाइप वो है पर्सनल प्रोनाउन स्टूडेंट्स यहाँ आपको पर्सनल का वर्ड शो करवा रहा होगा कि आपको कोई चीज़ आपके लिए आपकी कोई चीज़ पोजेसिनेस है आपकी चीज़ कोई पर्सनल है जो आपकी अपनी जाति चीज को शो करवा रही है आपकी ऑनरशिप को शो करवा रही है पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर थ्री पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स किसी पर्सन की बात है वो पर्सनस कितने हैं पर्सनल प्रोनाउंस ऑलवेज स्टैंड फॉर थ्री पर्सन ये कितने पर्सन पे तीन जो है उस परसन पे डिपेंड करता है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है फर्स्ट पर्सन स्टैंड फॉर द पर्सन फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा स्टैंड फॉर द पर्सन पर्सन पे ही डिपेंड करता है स्पीकिंग जिसमें हम बोल रहे होते हैं आई वी मी अस दीज आर फर्स्ट पर्सन आई मीन्स के मैं अपनी ज़ात को शो करवा रही हूँ अपने पर्सनल किसी चीज़ को शो करवा रही हूँ तो इट्स मीन मैं अपने लिए आई यूज़ करूंगी फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन में अपने ही लिए हम वी यूज़ करेंगे और फिर मी अपनी ज़ात के लिए अस भी अपने लिए जो फर्स्ट पर्सन है वो आपकी अपनी ऑनरशिप को जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया आपकी अपनी ऑनरशिप को बता रहे होते हैं एग्जाम्पल देखें दिस कार बिलोंग्स टू अस मीन्स के ये जो कार है बिलोंग टू एस ये मेरी है मीन्स की ये कार मुझसे बिलोंग कर रही है तो इट्स माइन ये मेरी है आई won द अवार्ड मैंने अवार्ड मैंने इनाम जीता आई मीन्स के मैंने जीता अपनी जात के लिए मैंने आई लगाया द मैटर इज बिटवीन क्रिस एंड मी ये जो मामला है क्रिस और मेरे दरमियान में है मी मीन क्रिस एक सेकेंड है पर्सन लेकिन मी किसके लिए मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ लास्ट एग्जाम्पल है वी शेल स्टैंड बाय द ट्रूथ वी जो है हम अपने लिए कि मैं अपनी जात के लिए जो है यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज कर रही हूँ तो इट्स मीन कि हम अपनी जात के लिए यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन जो है वो आपकी अपनी पर्सन अपनी जो है जाती चीजों को शो करवाता है आपकी अपनी ऑनरशिप को आप अपनी मल्कित को आपकी शो करवाता है कि दिस थिंग बिलोंग्स टू यू इन सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन स्टैंड फॉर पर्सन सेकेंड पर्सन भी फर्स्ट पर्सन की तरह पर्सन पे ही डिपेंड करता है बस उसमें हम स्पीक करते हैं इसमें हमारी जो है स्पोकन हो जाती है मीन्स के दूसरा बंदा बोल रहा होता है उसमें हम खुद स्पीक कर रहे होते हैं फर्स्ट पर्सन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं लेकिन सेकेंड में है जो सेकेंड पर्सन हमसे बात करता है उसके में क्या आएगा यू यूअर ह्यूअर्स एंड यू मीन्स के इसमें हम You, your, कि आप अब अपनी बात करें आए मैंने अपनी बात कर ली है फर्स्ट पर्सन ने और सेकेंड पर्सन की बारी आई तो हम कहेंगे आप अपनी बात करें कि अब आप बोले हम कहेंगे तो इट्स मीन सेकेंड पर्सन को हम ये चांस दे रहे हैं कि सेकेंड पर्सन हमसे बात करें तो इसके लिए आप ऑब्वियसली यू और यूर का हम यूज करेंगे इसकी एग्जाम्पल है वाई आर यू क्राइंग आप क्यों रो रहे हैं मीन्स कि हम

पर्संस पे डिपेंड करता है बट इसमें स्पोकन ऑफ हो जाती है मींस के अब जो थर्ड पर्सन टू पर्संस के दरमियान में थर्ड पर्सन जब एंटर होगा तो स्पोकन ऑफ फर्स्ट जो है स्पीक जो कर रहा होता है सेकंड स्पोकन टू के अब सेकंड पर्सन भी बात करे थर्ड पर्सन वो होता है जो दो पर्सन के दरमियान में आकर बात करता है थर्ड पर्सन स्टैंड फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ लाइक ही शी इट दे हिम हर वो थर्ड पर्सन कोई ही भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है वो गर्ल भी हो सकती है शी भी हो सकते हैं, इट भी हो सकता है मतलब कि नॉन लिविंग थिंग भी और दे भी हो सकते हैं बहुत सारे प्लुरल फॉर्म में भी हो सकते हैं देम, हिम, हर, वो थर्ड पर्सन कोई भी हमारे सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के साथ ज्वाइंट हो सकता है तो वो उसमें सिंगुलर भी हो सकता है प्लुरल भी हो सकता है जैसे कि इधर देखिए दे टू द म्यूजियम वो म्यूजियम में गए वो अजायब घर में गए तो हम बहुत सारों के लिए यहाँ दे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर पर्सन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है और इट इज एन इंडेंजर स्पीशीज नाउ ये देखेंगे किसी स्पीशीज के लिए किसी एनिमल्स के लिए किसी भी हम चीज के लिए जब हम यूज करेंगे तो इट्स इन इट इज एन इंडेंजर स्पीशीज नाउ तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे थर्ड पर्सन इट यूज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स तो, ये थे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये आपके लिए प्रनाउंस के लिए, लिए पर्सन को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए पर्सन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं आई माई वी अस सेकेंड पर्सन क्या होते हैं यू यूर्स एंड श्यूअर्स थर्ड पर्सन ही शी इट एनी सिंगुलर नेम एनी प्लुरल नेम हिम देम हर और इसके बाद हम देखेंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इट्स आल्सो टाइप ऑफ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्मड बाय यूजिंग सेल्फ इन द सिंगुलर एंड सेल्फ इन द द्लूरल माई सेल्फ डियर स्टूडेंट्स जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो आपकी सेल्फ को बजात आपको खुद आपकी जात को शो कर रहे होते हैं उसके साथ आप अगर अपनी जात के लिए जो यूज करेंगे तो हम उसके लिए माई सेल्फ यूज कर लेंगे आपको यहां पर रिफ्लेक्सिव जो है वो ये शो करवा रहा है कि आपकी सेल्फ क्या है जैसे हम अपनी माई सेल्फ का मजमून लिखते हैं अपने बारे में लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो ये वो सेल्फ है कि खुद के बारे में बताना तो सिंगुलर जो है वो आपका सेल्व हो जाएगा और प्लुरल जो है वो आपका सेल्फ हो जाएगा और जैसे कि हम अपने लिए यूज करें तो माई सेल्फ यूज करेंगे सेकेंड पर्सन है तो उसके लिए यूर सेल्फ यूज होगा थर्ड है तो उसके हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ और अगर प्रोरल है तो उसके लिए यूर सेल्फ एंड आवर सेल्फ तो डेयर स्टूडेंट्स जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, वो आपकी को शो कर रहे होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउन की वो है रिलेटिव प्रोनाउन्स रिलेटिव प्रोनाउन्स में हम आपको फॉरन से आइडिया ये दे रहे होंगे रिलेट कर रहे होते हैं ये प्रोनाउन इसमें आपको पता चल रहा होगा कि रिलेटिव मीन्स कि किसी चीज से रिलेशन है मीन्स किसी चीज से कोई कनेक्ट जोड़ रहे हैं किसी चीज से कोई कनेक्टेड है वर्ड्स ये रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लाजिज मीन इट्स अ सेंटेंस बिकॉज सेंटेंस मेक सेंस ऑन इट सेल्फ इट्स कॉल्ड क्लाज एंड सेंटेंस एंड देर रेफर बैक टू द नाउंस गोइंग बिफोर दैम एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन्स रिलेटिव प्रोनाउन्स में अब जो उसकी एग्जाम्पल है हु जो है उसमें आपको पता चल रहेगा सेंटेंस के साथ ज्वाइन किया हु आर यू आप कौन है मतलब किसी के साथ हमने जोड़ा रिलेट किया कि आप हैं कौन होम विच इसमें हम आपके कहते हैं कि आपका जो जब किसी के साथ रिलेशन जुड़ा होता है तो आपका रिलेशन इन वर्ड्स के जरिए जुड़ता है हु होम मीन्स के जिसकी विच किसके लिए दैट दीज आल आर रिलेटिव प्रोनाउन्स मीनस के ये सेंटें के साथ कनेक्ट हो रहे हैं Just friends, जो अगली हमारी जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स इंटेरोगेटिव का आपको स्टार्ट से पता है कि एक जो सिंपल सेंटेंस होता है एक नेगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स आज क्वेश्चन कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स दो इन आवर आर यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज कन्फ्यूजन इरिटेशन एक्सेस्ट्रा तो आपने देखना है इंटेरोगेटिव ऑलवेज स्टैंड फॉर क्वेश्चन मार्क कि हम किसी से कोई क्वेश्चन अपना रेस करते हैं यहां पर देखें कि वट विच हुट विच एवर हुम एवर दीज ऑल आर क्वेश्चन वट वट इज दिस इट्स अ क्वेश्चन तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच बुक इज दिस हुर यू वेयर आर यू गोइंग तो ये जो है हम हम इस चीज को देखेंगे कि इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो ऑलवेज क्वेश्चन रेज करते हैं कि वो स्टैंड ही क्वेश्चन पे करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स जो हैं इसके अलावा जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस है इंडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू इंडेफिनेट और जनरल पर्सन और प्लेस थिंक जो ये इंडेफिनेट हैं ये ऑलवेज जो होते हैं डिपेंड किस पर जनरल पर्सन और थिंग पे मींस के कॉमन पे होते हैं दीज प्रोनाउंस रेफर टू द पीपल इन वेक एंड जनरल मीनिंग कि इसमें कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं होती कोई स्पेशलिटी नहीं होती कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं होती इट्स अ जनरल मीनिंग इट्स डिपेंड ऑन जनरल मीनिंग इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं All, any, each, everyone, few, many, neither, either, तो आप ये डेली बेसिस पे यूज करते हैं वर्ड ऑल हाउ यू ऑल आप सब कैसे हैं एवरी वन आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं फ्यू जो है आप किसी भी नंबर ऑफ क्वान्टिटी के यूज करते हैं मैनी जो है आप किसी भी तादाद को शो करने के लिए यूज कर रहे होते हैं हाउ मैनी कप्स हाउ मैनी बुक्स जो आपकी ये जो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इट्स अ जनरल तो ये जो जनरल है इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये आपकी डेली बेसिस पे यूज होने वाले प्रोनाउंस हैं तो डेली बेसिस पे जो आपके जो वर्ड्स होते हैं ऑल एनी ईच ये आपके जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस को शो करते हैं नेक्स्ट है हमारी टाइप जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स कि आप किसी भी सेंटेंस में पॉइंट आउट करते हैं किसी भी पीपल्स को किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जब भी आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे इट्स मीन कि आप किसी चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं आप किसी चीजों के बारे में बता रहे हैं देयर आर फोर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं दिस दैट दिस डॉट डोस डिमोस्ट्रेटिव दिस जैसे दिस बुक इज माइन दैट इज अ बॉय दिस आर चेयर्स आर गर्ल्स तो ये आपके जो हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो आपके पॉइंट आउट करते हैं पीपल्स को भी कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स मीन थिंग्स को भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ये आपके प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन सेकेंड और थर्ड और परसन और इसकी टाइप्स को मैंने सारा जो है क्लियर कर दिया है इसकी सारी इंटरप्रिटेशन कर दी है अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ वर्ब की तरफ फर्स्ट पार्ट जो मैंने प्रीवियस आपको पढ़ाया था वो नाउन था अभी मैंने आपको प्रनाउन पढ़ाया है सेकेंड पार्ट और अब थर्ड पार्ट जो हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच का वो है वर्ब जो है ये पार्ट ऐसा है कि ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के मिड का एक ऐसा पार्ट है कि इसके बगैर हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इनकम्प्लीट है कि एक हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है हमारा क्लॉज इनकम्प्लीट है जिस हमारे क्लॉज में हमारा वर्ब नहीं होगा तो वो हमारी सेंटेंस की कोई जो है सेंस ही नहीं बन रही होगी अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन एंड इवेंट और अ स्टेट वर्ब जो होता है वो डूइंग समथिंग समबॉडी वॉज डन वर्ब जो है आपको शो करवा रहा होता है आपकी एक्शन को आपकी स्टेट को आपकी कंडीशन को आपके डेली बेसिस आपके चीजों को कि आप क्या कर रहे हैं आप क्या कर चुके हैं और सेंटेंस में इधर है मेन वर्ब आ हेल्पिंग वर्ब और बोथ एक सेंटेंस जो होता है उसमें एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है इन अदर वर्ड्स अ वर्ब इज अ वर्ड इन फॉर्म्स अबाउट एन एक्शन जो एक वर्ब होता है वो हमें मालूमत देता है वो हमें बताता है डेट टर्ल्स अबाउट एक्शन एंड एग्जिस्टेंट एग्जिस्टेंट कहते हैं किसी भी चीज के वकत को किसी भी चीज के वजूद को कोई चीज अगर पाई जाती है ऑफ समथिंग और एन अक्रंस किसी भी चीज का जब वजूद वाक होता है कोई चीज शो कर रही होती है इट्स कॉल्ड एक्शन और एक्शन को ही हम कहते हैं वर्ब दिस वर्ब इज द मेन वर्ड इन अ सेंटेंस वर्ब जो है वो एक सेंटेंस का मेन वर्ड है जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि सेंटेंस में अगर जो वर्ब है मेन वर्ड है इसके बगैर हमारा क्लॉज और सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता वर्ब के बगैर टाइप्स ऑफ वर्ब्स अब वर्ब्स की भी टाइप्स होती हैं सबसे पहली जो टाइप्स है वो है मेन वर्ब और एक्शन वर्ब पहली जो वर्ब की टाइप है वो है मेन वर्ब और उसको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं सेकंड है हेल्पिंग वर्ब थर्ड है लिंकिंग वर्ब्स फोर्थ पे है ट्रांजिटिव एंड लास्ट इन वर्ब डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है मेन वर्ब और एक्शन वर्ब इसको हम फर्स्ट टाइप को एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं अपनी हम इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन मेन वर्ब भी एक्शन को शो करते हैं और एक्शन वर्ब ऑब्वियसली एक्शन को शो कर रही हैं समथिंग दैट एन एनिमल अ पर्सन और अ थिंग डज वो एक्शन किसी एनिमल के लिए भी हो सकता है किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है किसी भी थिंग के लिए भी हो सकता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस We only have a main verb. आपके पास एग्जाम्पल्स हैं मेन वर्ब्स की इसमें आपको बताया जा रहा है सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल की हेल्प आउट करके कि कि किस हमने अपना एक्शन वर्ड वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है द स इस सेंटेंस में द सन शाइन्स मीन की शाइन्स जो है वो एक्शन को शो कर रहा है वो हमारे इधर मेन वर्ब को शो कर रहा है इस सेंटेंस में द डॉग बाग्स द डॉग बार्क्स बार्क्स जो है वो किसी एक्शन को शो कर रहा है कि कुत्ता भोंक रहा है मींस कि वो समथिंग इज डूइंग कुछ कर रहा है द मंकी जंप्स इधर भी देखें कि जंप्स जो है वो हमारा एक एक्शन वर्ब है और वही इसी सेंटेंस का मेन वर्ब है कि जंप्स मतलब कि वो जंपिंग कर रहा है समथिंग इज डूइंग तो इसलिए जो आपको जो वर्ड्स हैं जो एक्शन शो करवा रहे होते हैं वही आपके सेंटेंस के मेन वर्ब होते हैं वही आपके वर्ब होते हैं अब सेकंड है हमारी टाइप हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा होगा कि हेल्प से निकला है तो ये वर्ब्स की हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब को डियर स्टूडेंट हम एक और वर्ब बोलते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब बहुत सी जगहों पर ऑगजिलरीज वर्ब मींस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं जो हमारे सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं हमारे सेंटेंस के लिए एक पावरफुल पावरफुल साबित होते हैं हमारे सेंटेंस को सहारा देते हैं डियर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सेंटेंसेस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं चीज़ों की सेंटेंस को सपोर्ट करके आपस में कनेक्टेड किए हुए होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब ये जो है हेल्पिंग वर्ब हमारे एक्शन वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे एक्शन और मेन वर्ब की सपोर्ट में ऑलवेज रहते हैं जैसे कि एक सेंटेंस है यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके सामने वी आर लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब से तो इस सेंटेंस में आपका जो आर है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और जो लर्निंग है वो आपका ओरिजिनल एक्शन वर्ड है लर्न मतलब हम कुछ सीख रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं जो लर्निंग है वो हमारा एक वर्ब है वो हमारा एक मेन वर्ब है वो हमारा एक जो है एक्शन वर्ब है और उसके साथ हमारा एक वर्ड है आर आर जो है हमने वी के साथ एक हेल्प के तौर पर लगाया कि हमारे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है हम वी लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब इस तरह से नहीं कहेंगे बल्कि हम उसके साथ अपना एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वी आर लर्निंग मीन्स कि हम सीख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए यहां जो आर है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारा लर्निंग है वो हमारा मेन वर्ब है वो हमारा एक्शन वर्ब है सेकंड आप एग्जांपल में देखें वी आर इन द ग्रीन हाउस क्लब तो इस सेंटेंस में जो हमारा आर है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है थर्ड सेंटेंस में देखें यू शुड कंप्लीट द वर्क बाई टो आपको अपना वर्क मुकम्मल करना चाहिए मतलब कल तक इट्स मीन कि शुड जो है वो आपका जो है यहां पर किस पे हेल्पिंग वर्ब को आपके सेंटेंस को स्पॉट कर रहा है इट्स अ स्पॉटिंग इट्स अ स्पॉटिंग वर्ब दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब तो कंप्लीट जो है यहाँ पर किसी चीज को शो करवा रहा है एक्शन को कि हमने ये काम करना है तो so मतलब ये काम मुकम्मल करने को इट्स अ मेन वर्ब इट्स अ एक्शन वर्ब तो डियर स्टूडेंट्स जो शुड है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कंप्लीट है वो आपका मेन वर्ब है इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट टाइप लिंकिंग वर्ब्स लिंक मींस के किसी चीज के साथ एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ना सेंटेंस में जब वर्ड्स को जोड़ा जाता है जब वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है इट्स कॉल अ लिंकिंग वर्ब्स स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स स्टेट दैट समथिंग इज स्टेट मीन जब कोई सिंपल स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारा इज आर का यूज़ होता है तो इट्स मीन कि वो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हम उसके साथ किस चीज़ के साथ हम लिंकिंग करके उन वर्ड सेंटेंस को बताते हैं हम सिर्फ सिंपल बात कहनी हो हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय इट्स अ स्टेटमेंट सिंपल सेंटेंस है इसमें ना ही कोई नेगेटिव है ना ही कोई इंटरोगेटिव है यह सिंपल सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस में हमने लिंक किससे किया उसको ही को और बॉय को इज के साथ तो हमारा सेंटेंस किस वर्क के साथ जुड़ के कंप्लीट हुआ इज के साथ तो स्टूडेंट्स जिन सेंटेंस में सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस में हम जो हो इज और आर को यूज करते हैं दीस आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स कि वो दो वर्ड्स को एक तीसरे वर्ड के साथ जब जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस मुकम्मल होता है तो इस सेंटेंस को मुकम्मल होने में इस और आर जो है ये लिंकिंग वर्ब्स जो है सेंटेंस को भरपूर वो कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट करते हैं लिंकिंग वर्ब्स स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स स्टेट काम करते हैं लिंकिंग वर्ब एक्सप्लेन अ लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड अनाउन और एजेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब होता है वो आपके सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है आपके सेंटेंस में वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है जैसे नाउन का आपको ऑब्वियसली पता है पर्सन प्लेस और थिंग और एडजेक्टिव वो होता है जो आपके नाउन और प्रोनाउन को बता रहा होता है एग्जाम्पल क्या है आपकी द फ्लावर्स आर ब्राइट द फ्लावर्स आर ब्राइट तो फ्लावर्स और ब्राइट को जो वर्ड मिड में जोड़े हुआ है वो आर है द फ्लावर्स आर ब्राइट आर जो है हमारा यहां पर लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर है इन चीजों को कनेक्टेड किए हुए हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस हार्डेस्ट सब्सटेंस मीन कि एक मटेरियल है एक हार्ड मटेरियल है उसके दरमियान में जो इज है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है थर्ड है आई फील स्क्य मुझे खौफ महसूस होता है फील जो है I scared. स्केय के मिड में जो फील है वो आपका दोनों सेंटेंस आई और स्केर्ड को जोड़ रहा है लिंक कर रहा है फील जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है तो डेयर स्टूडेंट्स लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस में इज और आर के तौर पर यूज होते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रांजेटिव वर्ब्स ट्रांजेटिव वर्ब्स ट्रांटिव एक्सप्रेस एंड एक्शन प्लेस और थिंक ट्रांसेटिव वर्ब ऑलवेज आपको शो करते हैं एक्सप्रेस करते हैं चीजों को आपके एक्शन को डायरेक्ट आपकी पर्सन प्लेस और थिंक की तरफ कि आपका जो ट्रांजेटिव वर्ब है आपका स्टार्ट से ही डायरेक्शन उसकी चली जाएगी आपके पर्सन प्लेस और थिंग की तरफ द एक्शन एक्सप्रेस बाय ट्रांटिव वर्ब पासिस फ्रॉम द डोर और द सब्जेक्ट टू द रिसीवर ऑफ एन एक्शन ये जो आपका एक्शन एक्सप्रेस कर रहा होता है ट्रांजेटिव वर्ब में वो पास होता है आपके मतलब परफॉर्मर्स की तरफ से आपके प्रिपेटर्स की तरफ से आपके डोर की तरफ से आपके जो है आपका जो परफॉर्मर अदा करने वाला सब्जेक्ट होगा और रिसीव और एक्शन की तरफ होगा वो आपका ट्रांजेटिव वर्ब के तौर पर काम कर रहा होगा वर्ड्स दैट रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स आपके जो वर्ड्स जो ट्रांजेटिव वर्ब के तौर पर डायरेक्ट यूज होते हैं पर्सन प्लेस के लिए वो आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स हमारा एक सेंटेंस जो है वो थ्री पार्ट्स पर मिलकर है जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा लास्ट में आता है तो ट्रांजेटिव वर्ब जो है वो हमारे डायरेक्ट जो है पर्सन प्लेस की तरफ जो है एक्सप्रेस करते हैं अपने एक्शन को और वर्ड्स दैट रिसीव द एक्शन और जो एक्शन से हमारे जो हमारी वर्ब से जो वर्ड रिसीव हो रहे होते हैं वो हमारे वर्ब क्या कहलाते कहलाते हैं Objects हैं ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर इन दिस फर्स्ट सेंटेंस द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर अब हम कहते हैं द टीचर मेड वट टीचर मेड हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ हमारा ऑब्जेक्ट जो नहीं लगा तो द क्वेश्चन पेपर टीचर ने क्या बनाया क्वेश्चन पेपर बनाया तो जो क्वेश्चन पेपर है हमारा ऑब्जेक्ट है तो इट्स मीन इट्स कॉल्ड अ ट्रांजेटिव वर्ब सेकेंड सेंटेंस से आपको पता चलेगा आदिल कट द केक अब हम कहते हैं आदिल कट हमारा क्या सेंटेंस है यहाँ सेंस क्या दे रहा है कि आदिल ने क्या कट किया बात तो ये भी हो रही है आदिल कट मतलब कि हमारा सब्जेक्ट भी यूज हो गया हमारा कट हमारा वर्ब भी यूज हो गया कि कट जो है वो किसी एक्शन को शो कर रहा है लेकिन हमारा जो थर्ड पार्ट है मीनस के द केक जब तक हमने वो नहीं लगाया ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया कि आदिल कट द केक के हमारा अब जाकर लगा है ऑब्जेक्ट तो आदिल इट्स अ सब्जेक्ट कट जो है वो वर्ब है और द तो मींस के जो हमें कोई चीज का ऑब्जेक्ट किसी चीज के बारे में बता रहा है तो इट्स मीन इट्स कॉल्ड ट्रांजेटिव वर्ब इन टू सेंटेंसेस वी कैन सी वर्ड्स इन कलर द क्वेश्चन पेपर एंड द केक कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस और वर्क एज ऑब्जेक्ट ये फ्रेंड्स आप इन दोनों सेंटेंस में जो मैंने अभी आपको बताया है इन दोनों सेंटेंस में जो पहला है द क्वेश्चन पेपर जो है वो हमें एक एज अ सब्जेक्ट के तौर पर हमें परसीव हो रहा है कि हम जब कह जब कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा तो हमारा ये ट्रांजेटिव वर्ब है और जो सेकंड सेंटेंस में द केक है कंप्लीट सेंस सेंटेंस की तब होगी जब हमारा वर्क जो है ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होगा द वर्ब्स मेड एंड कट आर ट्रांजेटिव वर्ब कि जो मेड है कि टीचर ने पेपर बनाया मेड द पेपर जो मेड है वो तो हम आ गया ट्रांजेटिव वर्ब और कट भी आगे एक्शन को शो कर है लेकिन जब ऑब्जेक्ट लगेगा तो हमारा सेंटेंस जो है मुकम्मल होगा अ ट्रांजेटिव वर्ब नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजेटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ट्रांजेटिव वर्ब जैसा कि पहले सेंटेंस में मेड है मेड द पेपर सेकंड में कट द केक ये तो हमारे ट्रांसलेटिव वर्ब है और इसी ट्रांजेटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कि पेपर लगा तो पता चला कि हमने पेपर बनाया केक लगाया तो पता चला कि केक कट किया तो द टीचर प्रेस द पीपल तो आप देखें कि पहला सेंटेंस दैट द टीचर प्रेस द पीपल के उस्ताद जो है वो अपने शागिदों की तारीफ करता है तो इस सेंटेंस में जो आपका प्रेज्ड है वो आपका क्या हो गया ट्रांसलेटिव वर्ब। और यहां पर जो पीपल है मींस की जो आपका पीपल मतलब वो किसकी तारीफ करता है अब जब हम कहते हैं द टीचर प्रेज्ड, उस्ताद जो है तारीफ करता है आगे हम द पीपल नहीं लगाते ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो हमें क्या पता उस्ताद किसकी तारीफ करता है वो

एक नाशपाती खा रही है तो हमारा एक सेंटेंस मुकम्मल होगा इस तरह से आई लाइक इंग्लिश जो लाइक like है वो आपका वर्ब है इंग्लिश जो है आपका ऑब्जेक्ट है दे आर प्लेइंग फुटबॉल प्लेइंग जो है वो आपका ट्रांजेटिव वर्ब है क्योंकि वो आपका एक्शन वर्ड है एक्शन वर्ब है आपका और फुटबॉल जो है कि मीन्स के वो फुटबॉल खेल रहा है लास्ट टाइप है इन वर्ब वो उसमें हम देखेंगे कि हमने ट्रांजेटिव में तो ये देखा कि किस तरह से एक जो ट्रां जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं आती लेकिन यहाँ पर उसका जो है ऑपोजिट हो रहा है अब वर्ब विच नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू तो मेक कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड एन इन, इन ट्रांटिव वर्ब ये इंट्रांटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर ही मुकम्मल हो जाते हैं ट्रांजेटिव में तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ऑब्वियसली पड़ती है अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए लेकिन इन ट्रांजेटिव वर्ब में जो है डजेंट नीड एन ऑब्जेक्ट कि हमें सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती एंड इंट्रांटिव वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट जो इन ट्रांजेटिव वर्ब होते हैं वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं विदाउट द एक्शन पासिंग टू अ रिसीवर और ऑब्जेक्ट के वो ऑब्जेक्ट को रिसीव किए बगैर ही अपना जो है सेंटेंस मुकम्मल कर रहे होते हैं इट कैन स्टैंड अलोन इन द प्रेडिकेट मीन्स के ये इजीली स्टैंड हो जाते हैं प्रेडिकेट मीन्स मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट वर्ब प्रेडिकेट को हम क्या कहेंगे वर्ब इट कैन स्टैंड अलोन इन द वर्ब बिकॉज इट्स मीनिंग इज कम्प्लीट ये सब्जेक्ट और किस पर प्रेडिकेट पर ही अपना जो है सेंटेंस बना लेते हैं इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रांजेटिव में ऑब्जेक्ट मस्ट है इन ट्रांजेटिव में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर ही एक सेंटेंस बना लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे मिस्टर बेकर जॉग्स एवरीडे अब मिस्टर बेकर जॉग्स एवरीडे अब हम कहते हैं कि मिस्टर बेकर जो है वो जॉगिंग करता है डेली लेकिन हमें ये नहीं पता वो कहाँ करता है हमें ऑब्जेक्ट्स की यहां जरूरत नहीं है हमें बस ये भी मुकम्मल हो गया कि मिस्टर बैकर जॉग्स एवरी डे तो हमारे लिए इतना इंट्रॉजेटिव कंप्लीट हो जाता है द विकेट हंटर वॉज हिडिंग जो विकेट है हंटर जो है वॉज हिडिंग वो किसी चीज को छुपा रहा है अब यह नहीं पता वो कहां छुपा रहा है वो कहाँ हाइड कर रहा है तो एनी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एनी दिखाई देती है किस जगह पर दिखाई देती है ब्यूटीफुल ये हमें नहीं पता तो एक सेंटेंस ये भी बन रहा है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है मिस्टर जॉन स्पीक लाउडली मिस्टर जॉन स्पीक लाउडली इट्स अ कंप्लीट सेंस इट्स अ सेंटेंस क्योंकि ये भी मुकम्मल है बात कि मिस्टर जॉन स्पीक करता है तेजी से लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किसी घर में स्पीक कर रहा है वो किसी स्कूल में स्पीक कर रहा है वो किसी और ऑफिस में स्पीक कर रहा है किसी कंपनी में स्पीक कर रहा है तो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी एक जो है जहां पर ऑब्जेक्ट जरूरी होगा वो ट्रांसलेटिव होगा जो एक ऑब्जेक्ट के बगैर अपना फिक्रा मुकम्मल करोगा तो वो इन ट्रांटिव होगा जैसे द शिप सैंक रेपिडली जो है द शिप sank रेपिडली हमें एक सेंटेंस की सेंस बन रही है कि तेजी से जो शिप है वो sank हो रहा है तो इसमें जो है संक की जो सैंक से, जो है वो डूबना तेजी से जो है शिप जो है डूब रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता वो किधर डूब रहा है कि कौन से वाले समंदर में वो तेजी से डूब रहा है तो जहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वहां पर हम कहेंगे इट्स अ इन वर्ब द डिपार्टमेंट स्टोर्स ओपन एट सिक्स ओ क्लॉक डिपार्टमेंट स्टोर ओपन होता है यहाँ पर एक वर्ब लग गया ओपन और यहाँ पर द डिपार्टमेंट जो है वो सब्जेक्ट आ गया लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हमें फिर भी ये बात पता चल रही है कि जो डिपार्टमेंट है वो सिक्स ओ क्लॉक ओपन होता है द विट ब्ल्यू स्ट्रॉन्गली विंट ब्ल्यू हवा तेजी से बहुत शिद्दत से चल रही है लेकिन हमें एक पता चल रहा है हमारी सेंस बन रही है 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 सेंटेंस सेंटेंस की द विंड जो है है, blue, जो सब्जेक्ट ब्लू एक्शन वर्ड तो इट्स मीन कि ये मुकम्मल लेकिन ये नहीं पता कि हवा चल किस एरिए में रही है किस जगह में रही है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो डेयर स्टूडेंट्स आपको इन दोनों में फर्क इस तरह से पता चलेगा कि जहां पर आपका ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो इट्स मीन इट्स अ ट्रांजेटिव और जहां पर आपका सिर्फ सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट होगा मीन पर आपका सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब होगा मैंने आपको दोनों पार्ट पढ़ा दी है प्रनाउंस एंड एंड इट्स टाइप्स तो आपने ये दोनों आपने पार्ट्स पर अपना फोकस रखना है इसकी एग्जाम्पल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है इसके आपने टाइप्स को देखना है कि किस तरह से आप इनको फॉलो करके अपना कंसेप्ट जो है वो अच्छे अच्छे क्लियर करेंगे तो डेयर स्टूडेंट्स दी, दीज आल आर फ्रॉम माय साइड आपने इसी इस से ही अपनी सारी जो है प्रिपरेशन करनी है और कोई भी आपका क्वेश्चन हो कोई भी आपका कोई क्यूरी हो यू कैन आस्क टू मी अगेन एंड अगेन डोंट हेजिटेट डेयर स्टूडेंट्स और आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है वो अपनी बुक से पढ़नी है आप जो है बेसिक ग्रामर की कोई भी अच्छी सी जो बुक है वो लेकर फंक्शनल की आप उसको स्टार्ट करें पार्ट्स को पढ़ना अब तक हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब तो मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो स्टूडेंट्स हैं वहां से भी अपनी हेल्प ले सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकी जो अपनी ग्रामर्स की बुक है उसमें से भी अपने जो सारे ये जो पॉइंट हैं वो क्लियर कर सकते हैं ओके अल्लाह हाफि स्टूडेंट्स